हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीज फूड। तो आज मैं बनाने वाली हूँ टू टाइप्स ऑफ कॉर्न चाट। वन इज़ रोस्टेड कॉर्न चाट एंड अनदर वन इज़ बॉइल्ड कॉर्न चाट। ये दोनों भी कॉर्न चाट जो है मैं बिल्कुल ही सिंपल वे में बनाने वाली हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। स्वीट कॉर्न, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर और नींबू। तो सबसे पहले मैं रोस्टेड कॉर्न चाट बना रही हूँ। 1 कप मैंने स्वीट कॉर्न लिया है। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू एंड डिलीशियस रेसिपी। इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा रोस्ट हो चुका है और थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे इसे। तो इस स्टेज पर आके हमें गैस को बंद कर देना है। ये परफेक्टली रोस्ट हुआ है, इतना ही बस रोस्ट करना है हमें। कॉर्न मैंने बोल में निकाल लिया है। इसमें ऐड करूंगी नमक एज पर टेस्ट। लाल मिर्च पाउडर बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, इसलिए मैंने बस 2 से 3 चुटकी ही ऐड की है। आप चाहो तो आप जितना भी तीखा खाते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हो। चाट मसाला 1/4 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच ऐड किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच लेमन जूस और ऐड किया है। इसको बस अच्छे से मिक्स कर देना है और ये हमारा रोस्टेड कॉर्न चाट बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। 2 छोटे ग्लास लिए मैंने, इसमें हम इसे सर्व कर लेंगे। तो अब हम बॉइल्ड कॉर्न चाट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर पैन रख दिया है गैस पर। 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। गैस को हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है। 1 कप मैंने स्वीट कॉर्न ऐड किया है इसमें। अगर आपको स्वीट कॉर्न नहीं मिलता है तो जो मार्केट में पैकेट वाला कॉर्न आता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बस उसे थोड़ा सा जो है पकने में ज़्यादा टाइम जाता है। इसे मैंने करीबन 6 से 7 मिनट तक बॉईल किया है। इसे हमें पूरा सब्जी के जैसा बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो ये बस अब भी रेडी हो चुका है। इसे मैंने निकाल लिया है बोल में। इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। जैसे कि मैंने बताया था, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना इसमें। लाल मिर्च पाउडर 2 से 3 चुटकी ऐड की है फिर से मैंने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देना लाल मिर्च पाउडर। चाट मसाला 1/4 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, यानी कि 1 छोटा चम्मच ऐड किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर से मैं और थोड़ा सा जो है लेमन जूस और ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस ये हमारा बॉइल कॉर्न चाट भी बनकर रेडी हो चुका है। इसे भी हम अब सर्व कर लेंगे। ये दोनों भी चाट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसे इजीली घर पर बना सकते हो। इन दोनों में से मेरा पर्सनली फेवरेट रोस्टेड कॉर्न चाट है। आपको इन दोनों में से कौन सा कॉर्न चाट बहुत ज़्यादा पसंद आया है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और साथ ही में आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है वो भी बताना। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।